नमस्ते किसान भाइयों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, मैं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं गंगेश्वर जहरमुख जैविक खेती यूट्यूब चैनल, खेती से जुड़ी जानकारियाँ। आइए दोस्तों, अभी रेगुलर अपन अफीम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो वर्तमान में एक समस्या देखने को मिल रही है और बहुत सारे किसानों से सुना है ऐसा कि अभी का जो मौसम है ना, मौसम लगभग अनुकूल है, लेकिन जो अपन डोड़े के अफीम के डोड़े के जो चीरा लगा रहे हैं, उसके बाद में सुबह जब लुवाई का काम होता है ना, उस समय दूध की मात्रा बराबर नहीं बैठ रही है। तो जब दूध बराबर नहीं निकलेगा ना, तो फिर अपन क्वांटिटी नहीं बन पाएगी, और क्वांटिटी नहीं बनेगी तो लास्ट में आके अपने को परेशानी ज़्यादा आएगी। तो दोस्तों, आज इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए अपने को सबसे पहले ज़मीन के अंदर पानी के साथ में जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है ना, क्योंकि फसल में कई तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता रहती है और अफीम में इन चीज़ों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका बीज काम नहीं है, उसका दूध निकालना है और दूध बनने के लिए, क्योंकि हर तीसरे दिन वापस उसी डोड़े के चीरा लगाने का टाइम रहता है, तो इस समय में इनको क्या खुराक ज़्यादा लगती है अफीम की फसल में। तो अपन को पानी के साथ में ज़मीन के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट देते रहना चाहिए। और अधिकतर इलाकों में क्या होता है कि जब अफीम की चिराई चलती है, उस समय हर तीसरे दिन पानी फसल में देते हैं, ताकि उससे क्या होगा, ज़मीन के अंदर जो पानी की जब कमी हो, जब खेत में दरार आए ना, उस समय अफीम की जड़ें नहीं टूटे, वो जड़ें नहीं टूटेगी ना, तो पौधा बिल्कुल एकदम स्वस्थ चलता रहेगा। और जितने भी जमीन के अंदर अपन खाद दे रखे हैं, पोषक तत्व दे रखे हैं, तो वो ग्रहण करता रहेगा और दूध बराबर मात्रा में बनता रहेगा। तो दोस्तों, अभी वर्तमान में समस्या एक ही आ रही है कि चीरा लगा रहे अपन, और सुबह जब इसका लुवाई का हार्वेस्टिंग का काम होता ना, उस समय चीरे जैसे अपन लगाते हैं ना, वैसी की वैसी चिपकी चिपकी रहती है, तो दूध का बाद में फुटाव नहीं होता है। और जब दूध का फुटाव नहीं होगा, तो उसमें दूध की मात्रा नहीं बन पाएगी, क्योंकि जब फर्स्ट में अपन जो चीरा लगाते हैं और वही दूध रहेगा ना, तो बाद में जब सुबह अपन हार्वेस्टिंग का काम करेंगे, उस समय दूध की क्वांटिटी कम होगी। जैसे मानो 200, 300, 400, 500 ग्राम जो भी क्वांटिटी होनी चाहिए, उसका आधा दूध बैठेगा वो, क्योंकि बाद में दूध में फुटाव नहीं हो रहा है। तो उसके लिए दोस्तों, आइए कुछ उपाय करते हैं और उसका 101% रिजल्ट है, कई समय से करते आ रहे हैं और सोचा आप तक शेयर कर दूं। तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों आज कुछ हवा भी ज़्यादा चल रही है, तो हो सकता है कि आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आवाज़ की वजह से, हवा की वजह से। तो दोस्तों, मेरे हाथ में एक शीशी देख रहे हैं आप, यह स्पेशल अफीम के लिए बनाई गई है, ये नेचुरल एग्रोसाइंस कंपनी की है और 60 ml की जो शीशी आती है ना, उस पर MRP लगभग 475 रुपये की दे रखी है। दोस्तों, ये स्पेशली अफीम के लिए बनाई गई है, इसका दूसरी जगह कहीं यूज नहीं आता है। तो दोस्तों, इसका नाम बता दो मैं, इसका नाम सिंगापारस करके है, नेचुरल एग्रो साइंस के नाम से कंपनी है, तो सिंगापारस है ना, ये स्पेशल दूध बढ़ाने के लिए और दूध की जो समयावधि है उसको लंबा करने के लिए ये होती है, और इसका 101% रिजल्ट है। दोस्तों, इसको पर टंग की जो अपन स्प्रे करते हैं ना, उसमें 15 से 20 ml इसका डोज है, 15 से 20 ml लगती है। दोस्तों, इसके साथ में एक चीज़ और अपन ने दी, इसका परिणाम अच्छे से लेना चाहें अपन, देख लीजिए दोस्तों, ये सिंगापारस करके हैं। और दोस्तों, यदि इसका अच्छे से और रिजल्ट लेना चाहते हैं आप, इसकी मतलब परफॉर्मेंस और अच्छे लेना चाहते हैं, तो सर दोस्तों, इसके साथ में एक चीज़ और मिलाना ना भूलिएगा, एक शीशी और है, इसका डोज लगभग 5 ml पर टंकी है और 250 ml की है और 340 रुपये MRP है इसके ऊपर। दोस्तों, ये इफ्को MC कंपनी का शिगोटो 408 करके हैं, और ये देख लीजिए आप, इसका डोज 5 ml का है। दोस्तों,
इसको मिलाने से क्या फायदा होता है कि जो अपन दवाई स्प्रे कर रहे हैं उसको जहाँ ये उसकी बूंद गिरेगी ना फव्वारे से, वो पूरे पत्ते पे पूरी फसल पे फैला देगा। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है दोस्तों इसको। स्प्रे में अपन चाहे जैविक खेती कर रहे हैं उसमें भी अपन स्प्रे में काम में ले सकते हैं, रासायनिक खेती कर रहे हैं तो भी स्प्रे में काम ले सकते हैं दोस्तों। इसका एक बेनिफिट और है, जहाँ अपने को समझ लो 100 ml कोई खुर दवा लग रही है अपने को, तो दोस्तों इसका यूज़ करने से यदि अपन 50 ml भी उसका यूज़ करेंगे ना तो बराबर 100% बराबर काम करेगी, क्योंकि इसका फैलाव बहुत ज़्यादा होगा। और जब अपन खाली स्प्रे करेंगे तो जहाँ बूंद गिरेगी वहीं पड़ी रहेगी वो, तो इसलिए इसको मिलाना ना भूलें। नाम और बता दो मैं, इपको MC शिगाटो 408। अपने जो इपको की क्रय विक्रय समितियाँ होती है ना, दुकानें होती ना, वहाँ पर ये मिलती है। एक बार आप आराम से देख लीजिए इस फोटो को। तो दोस्तों इन दोनों का 20 ml 15 ml लगभग सिंगापारस हो गया, और 5 ml पर टंकी ये इपको की सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन सुपर स्प्रेडर के नाम से आती है, इसको मिला दीजिए। तो दोस्तों आपके जो दूध की जो प्रॉब्लम है ना वो 101% सॉल्व हो जाएगी, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही तक, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।